देखो जिहड़ी रूलिंग पार्टी है ये पंजाब दी जनता दे नाल बहुत वड्डा फरार कर रही, ड्रामेबाजी कर रही। इन्हां कोले लोकां दे इशू जिहड़े है उहदा जवाब देण दा कोई जवाब नहीं, और ड्रामे कर करके सिर्फ टीवी दे उत्ते अपने आप नूं हाईलाइट करन वास्ते ये सारा सैशन बनाउण दा सिर्फ इहदा मकसद है। मैं हैरान होना कि हुण जे तुसीं सैशन बुलाया तो अज मेन अपोजिशन तां तुसीं बाहर कढ दित्ता सैशन चों, तो फिर तुसीं कॉन्फिडेंस मोशन उही दुबारा लिया रहे। तो जिहड़े वड्डे मुद्दे आ पंजाब दे एक्साइज डिपार्टमेंट दे विच किड्डी वड्डी करप्शन होई, मंत्री दे उत्ते तुहाडे दोष लगे उहदी वीडियो बाहर आ गई। इस वेले माइनिंग दा हाल ये है कि टोटल जिहड़ा उसारी दा काम है सारे सूबे दे विच बंद होया पिया है, लोकी भुखे मर रहे हैं, कारोबार सारे दे बंद होए पे हैं, किसानी बड़ी मुश्किल हालातों के विचों निकल रही है, झोना वाहुण वास्ते मजबूर है, लंपी स्किन डिसीज के नाल एडा वड्डा नुकसान हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सूबे की कलैप्स हो गई, तो सरकार ड्रामा कर रही है कॉन्फिडेंस मोशन का, वो भी मेन अपोजिशन सारी बाहर कढ। सो ये सैशन तो सिर्फ लोगों के उत्ते फिर बोझ बन गया, जे लोगों के तुम मसले ही डिस्कस नहीं करने तो फिर सैशन बुलाते कहदे वास्ते। पहला सैशन उस हिसाब नाल बुलाया कि जेडे MLA है वो अपने सवाल भी दे नहीं सके, तो हुण तुसीं फिर उही कॉन्फिडेंस मोशन लैन दा, तो उस तो बाद फिर ड्रामा करके बंद कर दो। इस करके इदा फराड नहीं करना चाहिए डेमोक्रेसी के विच, जां तां हुण जिहड़ी है अपोजिशन फेस करो, MLA की गल सुनो, लोगों के इशू उत्थे डिस्कस करो, फिर तो कोई सैशन करने का फायदा नहीं, तो इस समय सैशन का की फायदा। ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? मैं समझता पंजाब की जनता देना धोखा, क्योंकि कल राजपाल जी की गल नहीं है, ये तो जनता ना ही धोखा। तुम समा नहीं दे रहे MLA कि वह तैयारी करके अपने सवाल दे सकन जोड़े उन्होंने पूछने हैं, एक तो फिर लोगों का की भला होना। एक जो पंजाब के मुद्दे है अब जो डिस्कस करने चाहिए, हूँ कॉन्फिडेंस मोशन कहदा, संगरूर के 3 महीने के लोगों ने जवाब दे दिता कि किन्ना कुछ तुहाडे च भरोसा, हाले भी जो तुम नहीं समझे तो जो अगों इलेक्शन आने उस समझो। इस तरह का की भरोसा होया कि अपने MLA कल्ले बिठा के ते अपोजिशन नूं बाहर कढ के ते तुसीं कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की फायदा?